नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त गेमर्स काय और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस वॉक थ्रू में जिसका नाम है पोकेमॉन ऑरेंज आइलैंड्स। पिछली बार हम लोग टैंजेलो आइलैंड आ चुके थे एक पैराशूट की मदद से, और फिर हमने एक लैप्रस को बचा लिया था और उसको हमारी टीम में शामिल कर लिया था। और फिलहाल वो चिल है लेवल 10 पर, और बाद में हम लोगों ने रूट ए एक्सप्लोर कर लिया था जो हमें लेके गया वापस वैलेंसिया आइलैंड। अनफॉर्चुनेटली रूट ई की तरफ हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर एक स्टॉर्म था। हम आ गए अब रूट बी की तरफ जो हमें लेके जाएगा मीकन आइलैंड। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी, लेट्स सी आज क्या होता है और आज क्या कर पाते हैं। लग तो मुझे रहा ही एक फायर टाइप ट्रेनर, जिन जिन लोगों ने एम्ब्रॉयड वगैरह खेला होगा उनको मालूम है रूबी एम्ब्रॉयड सफायर। तो इसलिए मैं जाऊँगा मेरे स्क्वर्टल के साथ। अरे अरे एक टैकर इनफ होगा, थैंक यू चार्मेंडर इतने अच्छे एक्सपी देने के लिए। मैं बंद नहीं हुआ मगर ऑफिस में रख देता हूँ पिका चुका होगे। बैटल कर ले भाई। नहीं भाई मैं अब तक टायर्ड हुआ नहीं, हुआ अभी तो चालू किया रिकॉर्ड करना। बैक टू बैक 3-4 वीडियो करूँगा तो डेफिनेटली टायर्ड हो जाऊँगा। अरे यार 17 पर चाहिए पिका कुछ भी करके, अभी लेवल 12 के टेंटाकुल को हराने के लिए। अभी चेक करते हैं लेवल 12 के टेंटाकुल को पिका हरा पाता है कि नहीं। यप 5 लेवल का डिफरेंस चाहिए, मतलब वैसे देखा जाए तो। मीकन आइलैंड पहुंच चुके हैं हम लोग, ऑफिशियली आ चुके हैं हम मीकन आइलैंड, ट्रॉपिकल एंड पीसफुल पैराडाइज। या जिम की तरफ जाऊंगा मैं बाद में, हीलिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब हार गया तो इधर ही आऊंगा ना, बाकी कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ जिम लीडर का नाम सीसी सर, से एक्टिंग करने का क्या रे, मुझे तो मालूम ही नहीं था, मालूम तो सब कुछ होता है हमें, सिर्फ एक्टिंग करने का। अरे मैंने तो ये पहली बार नाम सुना है, ये क्या नाम है सीसी। ट्रेन आइटम्स में देख के जाता हूँ बार बार, फिलहाल तो हमें ज़्यादा करके बेरीज ही मिले हैं इधर हीटर आइटम। एक ही बार मुझे शायद ईथर मिला। ट्रेनर टिप्स, मीकन आइलैंड जिम अहेड, लीडर इज सीसी। ओके मैं फिलहाल नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, मैं फिलहाल टाउन एक्सप्लोर कर लेता हूँ। ओके कुछ नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, मे बी आइलैंड के बाहर जाने का एरिया। यस और मीकन आइलैंड का जिम, मैं आइटम देख लेता हूँ बाकी कुछ नहीं। डू यू थिंक यू कैन बीट सीसी? यस रियली दैट्स लाफेबल, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू बीट हर। नो दैट्स राइट, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू बीट माई सिस्टर। रिवील कर दिया उसने, वो उसकी सिस्टर है। बैटल है क्या? हाँ स्क्वर्टल ठीक है। अरे अरे टेल विप नो प्रॉब्लम, स्क्वर्टल गया इसी के साथ। मैं सबको हरा के जाऊंगा, एक्सपी चाहिए पोकेमॉन की, एक्सपी कम है हमारे पास फिलहाल। अरे यार 15 लेवल डायरेक्टली, अभी अभी मैं बोल रहा था पिछले एपिसोड में 5 लेवल का गैप चाहिए हराने के लिए। पॉइजन मत कर भाई, सिर्फ हमने क्रिटिकल हिट दे दिया, अच्छी बात है। 18 पर पिकाचू गोल्डिन, क्रिटिकल हिट फिर से शेडर इजी। सील यूज करेगा ये लड़की, सील यूज करेगी
नहीं बच गया अरे अरे पैरालिज नहीं हुआ, स्टैटिक नहीं है क्या एबिलिटी? पिकाचू तेरी एबिलिटी स्टैटिक नहीं है क्या? ठीक है मैजिक आर्प, ठीक है मैजिक आर्प तो गया। स्टार यू एक वैसे गोल्डिन वगैरह यूज किया तो मैं बल्बासोर के साथ जाऊंगा एक बैटल। मैजिक आर्प ही तो बल्बासोर ठीक ही है, तेरा पर ही है ना वो, इसलिए क्योंकि गोल्डिन के पास पैक अटैक है तो रिस्की है वो भी। Hi there, I am Sissy, the orange crew member of Meekan Island. If you want to win the Coral Eye badge, you shall have to beat me in a Pokemon battle. Water gun challenge, wave race, don't be ridiculous. What would those challenges tell me about your qualities as a Pokemon trainer? I think we did enough talking, let's battle. इसलिए मुझे ये गेम पसंद है compared to Ash Gray. वो पूरा एनिमे फॉलो करता है, कम से कम इधर बैटल है, बैटल होनी चाहिए टू बी ऑनेस्ट। ओह सर पिकाचू तो गया, सुपर पोशन मे बी मैं हार जाऊंगा, कुछ कह नहीं सकते, रिवाइव विवाइव नहीं है ना, नहीं गई है बैटल गई है। वाइंड अप ओके, अरे स्मोक स्क्रीन से डैमेज दे रही है वो, ये बोलते हैं इसको अच्छी बात। एक और बार सक कर लिया ना तो भी मेरे लिए बहुत है। अरे वाह वाइन बीपी हिट हो गई, 14 बल्बसोर, बल्बसोर 15। पॉइजन पाउडर सीखना चाहता है, डेफिनेटली सिखाऊंगा। मैं ग्राउंड निकाल देता हूँ, स्लीप पाउडर नहीं चाहिए मुझे। प्लास्टॉइज नेक्स्ट, स्पॉटल जाओ, मैं पोशन दे देता हूँ बल्बासोर को सेफ्टी साइड। अरे बाप रे डिफेंस बढ़ा रहा है, हे किसको दे रहा था पोशन? तुम यूज करोगे उसके ऊपर टेल भी। टैकल यूज करो अगर वो भी ड्रॉप ड्रॉप खेल रहा है तो। अरे बबल यूज करना, बबल से स्पीड कम होती है ना कभी कभी, बबल से जाओ बबल। अरे यही सर्वाइव हो गया हाइड्रो पंप तो डेफिनेटली बल्बासोर सर्वाइव करेगा, वो तो 14 या 15 स्पीड कम हो गई। पहले पॉइजन पाउडर, अरे हिट हो प्लीज पे भोसड़ी के। क्या फायदा अभी पूरा लेट हो गया अभी बैटल में, फालतू यार फालतू। हश फुल हील ओके, मेरे पास ऑरेंज बेरी वगैरह भी नहीं है ना, नहीं
सिंह ही मेरे पास अभी चॉइस है। नाइस, वापिस आ जाओ। यस, जीत गए बैटल। स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी। 16 पर्पल प्लस और प्लस 11। आउटस्टैंडिंग, यू डिड वेरी वेल। ऑल राइट, यू कैन हैव द कोरल आई बैच टू शो यू बीट मी। द कोरल आई बैच स्लाइटली इंक्रीजेस योर परफॉर्मेंस अटैक। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू हैव दिस। TMO3 teaches waterfalls. Use it on aquatic Pokemon. There are 3 more badges to earn in the Orange Archipelago. I think one of them is on the Naval Island. Thank you. No way, you beat my sister? Well, I heard it was a well-deserved victory. So I guess I shall have to live with it, okay? तुझे क्या लगता था? तेरी दीदी को कोई कभी हरा नहीं पाएगा? मेरे जैसा ट्रेनर नहीं आया था कभी, इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी जर्नी में। स्टॉक अप करके रखे क्या कुछ? मेरे ख्याल से पोषण इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, सुपर पोषण नहीं, पोषण ही ठीक है। 5 पोषण, 2 एंटीडोट, 1 पैरालाइज हील, 2 अवेकनिंग और 1 बर्न हील, 5 रिपेल्स। ओके, मेरे ख्याल से इतना स्टॉक अप ठीक रहेगा। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। आई थिंक अभी रूट सी आएगा। यस, रूट सी पर अभी हम पोकेमॉन ज़्यादा आएंगे मे बी, बट टाउन में देख लो क्या ज़्यादा बड़ा होगा। रूट टू में रिपेल यूज ही करता हूँ मैं जो नॉर्थ, और मैं क्या करने वाला था अभी, नहीं कुछ नहीं। यहाँ पर है डेड एंड, पहला बैटल। थंडर स्टॉक इनफ होगा। जी स्क्वर्टल, अरे बच रहा है स्क्वर्टल। वो जिम लीडर, आई मीन जिम ट्रेनर का भी बच गया था, ये भी बच रहा है। मे भी डिफेंस अच्छा होगा। पिकाचू स्लैम सीखना चाहता है, मैं नहीं सिखाऊंगा। रूट सीमिकन आइलैंड, मेंडल आइलैंड नॉर्थ। ये डेफिनेटली इलेक्ट्रिक टाइप ट्रेनर, तो हम जाएंगे बल्बसॉर के साथ ही। वोल्टॉर्ब, पॉइजन पाउडर और वे वन सोनिक बूम रे। एक और सोनिक बूम, मगर हम इस बार हरा देंगे उसको। कोई गिरने आइटम नहीं, और रिपेल भी यूज करेंगे। ओह सील फिर से, पिछली बार नहीं हरा पाए थे हम, इस बार भी नहीं। मे बी 21 लगेगा मेरा पिकाचू, फिर मैं हरा पाऊंगा एक थंडर शॉक में। क्रैबी ये जाएगा, इसका डिफेंस कम है। इजी, एक और बैटल। स्टारियू एकदम इजी है, ये बैटल्स पिकाचू के लिए तो एकदम इजी। जिम डिफिकल्टीज हो सकती है ऑफ कोर्स, पर फिर भी उसने लगभग सिड्रा को हरा दिया था लगभग। अगर वो एक सर्व सर्वाइव करता ना तो हमारा काम हो जाता।
खैर ठीक है, कोई बात नहीं, गया बैटल वो, अब ज़्यादा सोच कर क्या ही मिलेगा। सील अभी 21 पर हूँ, इस बार हरा पाऊंगा एक ही थंडर स्टॉक में सील को। शेल्डर मुझे बाकी लोग को भी लेवल अप करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में टेंशन हो सकती है बैटल्स में, मेन मोस्टली तो जिम बैटल्स में। मैजिका तो है ही फिक्स, कौन से फिक्स है मैम के पास से? क्रैबी बल्बसॉर को यूज करने का रिस्क नहीं ले सकता यहाँ पर, वो फेंट हो सकता है। हाँ अभी यूज कर सकता हूँ इसको, कंफर्म वो एक वाइन बिप में तो जाएगा। गया मैजिकार्प, थोड़ी थोड़ी एक्सपी भी बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिपल ऑफ, एक और रिपल, वो हमें कैसे मालूम तुम यहाँ पर कैसे? अरे बाप रे, ऑडिश वापिस आओ, चल घर जाओ। एक एम्बर, अरे बंद कर दिया, चलो ठीक है। रॉस्टबेरी, ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, रॉस्टबेरी चलो ठीक है। जिगलीपफ, फायर स्पिन, डिफेंस कल के साथ ही जा रही है, अच्छी बात है, तो पाउंड में हरा सकती हो मुझे। अरे यार टेंशन मत लो, चले जाना, हमारे पास अवेकनिंग है, मेरे परचेस करके रखे। ओके 13 लेवल पर 40,000, स्मोक स्क्रीन सीखना चाहता है, मैं नहीं सिखाऊंगा। ओके मैंडरिन नॉर्थ में पहुंच चुका हूं, हो व्हाई डू दिस पोकेमॉन लुक सो वायलेंट? क्राइमर वोल्टार, क्राइमर आई आर यू एक्टिंग दिस वे? आई डोंट नो यू लाइक दैट ओल्ड टॉन, वॉट वाइज कॉटन इन टू यू? वॉट्स गोइंग ऑन अराउंड हियर? ग्रेट मोर डिस ओबेइंग पोकेमॉन, गैसली यूज योर नाइट शेड टू गेट दिस पोकेमॉन बैक टू नॉर्मल। क्राइमर इट्स गुड टू सी यू आर बैक टू नॉर्मल। ओल्ड टॉन आई एम हैप्पी टू सी योर स्पार्कलिंग आइज अगेन। क्विकली पुट योर पोकेमॉन बैक इन दियर पोकेबॉल्स प्लीज। We discovered that Pokemon are not vulnerable to disobey when they are inside their Pokeball. Grimer, Voltorb, return. Thank you for your help, Officer Jenny. Hello there. We are having a lot of trouble with disobeying Pokemon around Mandarin Island North lately. We are not sure what causes this behavior of Pokemon, but we suspect it has something to do with a psychic Pokemon. Ghastly here, a ghost-type Pokemon, doesn't seem to be affected by it. And we all know ghost Pokemon have an advantage over psychic Pokemon. So if I may give you an advice, keep your Pokemon in their Pokeballs as much as possible. In there, they are not vulnerable to start disobeying you. Well, I'm going to back to work. If you might happen to find any information about the disobeying Pokemon problem, please let us know. The police station is just a little north of here. Okay. Help us in the research, please tell us, okay? वेल मैं बाद में आऊँगा, फिलहाल तो हम जाएंगे टाउन एक्सप्लोरेशन पे। टीम रॉकेट करंट्स भी है यहाँ पर ऑलरेडी। मैंड्रिल आइलैंड नॉर्थ द बिग ऑरेंज, हील कर लेते एक बार। बात कर लेते अभी सबसे, 2 मिनट में जितना होता है उतना।
Maybe I should help Officer Jenny on Mandalay North before going some doing something else. Okay. जाने को नहीं मिल रहा, बाकी कुछ नहीं. Okay. कोई भी कुछ नहीं दे रहा है. सेकेंड टाइम हुआ है ना ऐसा. मीकन पे भी ऐसे हुआ, टेंचलो पे भी ऐसे हुआ. मैंडरिन आइलैंड, मैंडरिन नॉर्थ पुलिस स्टेशन. ओके. ये रहे वो वार्निंग, हाई वोल्टेज. और एरिया ब्लॉक करके रखा है जानबूझकर, तो वहीं पर जाना है हम लोग को. व्हाट इज दैट एंटीना डूइंग ऑन टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग? प्लीज वॉक ऑन, देयर इज नथिंग टू सी हियर. इट्स ऑल्सो डेंजरस इन हियर. डिडंट यू सी द साइन? इज ओबेइंग पोकेमॉन? नो आइडिया, बट द सोर्स इज सर्टेनली नॉट इन हियर. यू वॉन्ट टू चेक इट आउट योर सेल्फ? कम ऑन मैन, can't you just believe a guy who is blocking the way to an abandoned power plant? You won't? Well, in that case, I have no other choice than forbidding you to enter. Prepare to battle, okay? Ratata, no problem. Yeah, Ratata. Pikachu 22. Zubat. Ye bhi gaya, easily critical hit upar se. Ouch, you beat me. Perhaps I have to inform my superiors about what happened just now. तो मैं नहीं जा सकता. मैं जा सकता हूँ मगर मैं नहीं जाऊँगा. तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए. अगली बार हम यही से कंटिन्यू करेंगे और हमारी जर्नी में आगे बढ़ेंगे. अगर आपके पास कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना. अगर मेरे चैनल पर आप नए हो और अगर मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा.